हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ हिंदी की बुक का चैप्टर 18, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज। तो ये एक इंटरव्यू टाइप का है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। आज ही हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। स्टार्ट करते हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्लव जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। तो एक हॉकी के खिलाड़ी हैं धनराज पिल्लव, उनका इंटरव्यू है, वो दिया जा रहा है यहाँ पर। तो विनीता ने इंटरव्यू लिया है। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है, उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। तो वनीता कह रही हैं कि मतलब पुणे की तंग गलियाँ, यानी कि बेसिकली आप ये समझ लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि गरीबी से अमीरी तक का सफ़र आपका बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों भर रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो धनराज, जिनका इंटरव्यू हो रहा है, वो बताते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे, मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। तो ये कहते हैं कि मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे तो हॉकी का शौक़ इसलिए मुझे भी लग गया, मगर हॉकी की स्टिक खरीदने तक के पैसे मेरे पास उस समय नहीं थे, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांग कर काम चलता था। तो अपने फ्रेंड्स की स्टिक मांग करके खेला करते थे। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे, जब उनके फ्रेंड्स खेल लेते तो उसके बाद ही इन्हें वो स्टिक मिलती थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी पारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया। तो इनकी पहली स्टिक इनको तब मिली थी, अपनी खुद की स्टिक, जब इनका बड़े भाई को भारतीय मतलब इंडियन कैंप में उनका सिलेक्शन हो गया था, इनके बड़े भाई का। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी, वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। तो ये कहते हैं कि वो स्टिक जो मेरी थी, मतलब मेरे भाई ने मुझे दी थी, वो नई नहीं थी, पुरानी थी, बट वो मेरी खुद की थी, पहली बार इन्हें खुद की स्टिक मिली थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तो पहला इनका इंटरनेशनल हॉकी जूनियर में हुआ था, तो वो 1985 में मणिपुर में इन्होंने खेली थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा, तो मतलब काफ़ी पतला दुबला सा था और बच्चे जैसा चेहरा था मेरा। अपनी दुबली कदकाठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। तो कहते हैं कि मैं इतना दुबला पतला था, फिर भी मैं मतलब इस तरीके का रौब था मेरा कि कोई मेरे से भिड़ना नहीं चाहता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तर बांध कर मुंबई चला आया। तो 1985 में इन्होंने जूनियर खेला, फिर इसके बाद इनका सीनियर में सिलेक्शन हो गया, तो फिर ये भाई मुंबई आ गए। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला, हमने खूब धूम मचाई। तो इनके भाई भी हॉकी खेला करते थे, इन्होंने और इनके भाई ने बहुत अच्छा गेम खेला। वक्त देख लेते हैं। धनराज पिल्लव के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, मतलब उनकी पर्सनालिटी को बताते हुए विनीता पांडे लिखती हैं, वह आपको कभी हंसता है, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, जो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसके ठेठ ज़मीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। तो ये इनके बारे में बताते हैं कि बिल्कुल ज़मीन से उठकर इन्होंने आसमान तक की यात्रा तय की है, उसके बारे में ये पूरा बताती हैं विनीता, जिन्होंने इनका इंटरव्यू लिया है। फिर आगे इंटरव्यू में है कि इनके और उनके भाई ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया था, इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जगी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला था, तो इन्हें लगा था कि 1988 में इनको ओलंपिक के कैंप के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, बट नहीं बुलाया गया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था, तो जो 57 खिलाड़ी थे उनकी लिस्ट में भी इनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मतलब इन्हें बहुत बुरा लगा, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो फिर इनको एशिया कप के लिए चुन लिया गया था, तब से मतलब ये आगे ही बढ़ते रहे। विनीता आगे पूछती हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, मतलब आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी रही, अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं। तो आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी और अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस तरीके की मेमोरीज हैं वो बताइए। तो धनराज बताते हैं, मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, मतलब बिल्कुल नहीं था अच्छा पढ़ने में। किसी तरह 10वीं तक पहुँचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। तो कह रहे, चलो 10th तक तो मैंने कर लिया, बट उसके आगे तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। तो कहते हैं, अगर मैं हॉकी नहीं खेलता तो एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल पाती मुझे।
आज मैं बैचलर ऑफ़ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कहता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ़ हॉकी हूँ। तो कहते हैं कि बैचलर ऑफ़ साइंस नहीं हूँ, आर्ट्स नहीं हूँ, मगर मैं बैचलर ऑफ़ हॉकी हूँ, मुझे हॉकी बहुत अच्छे से आती है। हंसते हुए कहते हैं, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ़ हॉकी कह सकते हैं। तो शादी करवाने के लिए मास्टर ऑफ़ हॉकी भी कह सकते हैं मुझे। विनीता कहती हैं, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं, कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो तुनक मिजाज मतलब कुछ नहीं पता कि किस तरीके का बिहेव कब करने लगेंगे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो धनराज बोलते हैं, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है, मतलब बचपन में कुछ हुआ होगा इनके जीवन में। कहते हैं, मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर फील नहीं करते थे, इनसिक्योरिटी थी इनके मन में बचपन से। मैंने अपनी माँ को देखा है और उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। तो कहते हैं कि मेरी माँ ने हम लोगों को पैदा मतलब हमें बड़ा करने के लिए कितनी उन्होंने मुश्किलें उठाई हैं वो मैंने देखा है। मेरी तुरक मिजाजी के पीछे कई सारी वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाल लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ, और बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। तो कहते हैं कि मैं मतलब जो मेरे मन में आता है मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, पर कई बार मुझे उन बातों के लिए पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है, मतलब मैं खुद को नहीं रोक सकता गुस्से को, पर दूसरे लोग भी खूब मज़े लेते हैं इस बात का। मेरी ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए, तो कहते हैं मुझे अपनी लाइफ में हर छोटी और बड़ी हर तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, मैं अपने दोस्त और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। तो कहते हैं कि भले ही मैं चिड़चिड़ा हूँ, मगर मैं किसी को कभी परेशान नहीं देख सकता, मैं अपनी फैमिली की अपने दोस्तों की बहुत मतलब उनको इंपॉर्टेंस देता हूँ बहुत। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में शर्म महसूस नहीं होती है। तो कहते हैं अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे कोई शर्म नहीं है फिर उसके लिए। विनीता कहती हैं, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, कि आपका परिवार आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो धनराज बोलते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली, उन्होंने हम सब भाई बहनों में बहुत अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की, मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है वो अपने अपनी माँ से मिलती है, उन्होंने हमेशा अच्छे संस्कार डालने की कोशिश हमें की है, और मैं उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से बात ज़रूर करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह हैं, वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो कहते हैं कि मेरी माँ मेरे बहुत क्लोज़ हैं, और मेरी सबसे बड़ी भाभी भी बिल्कुल मेरे माँ के समान ही हैं, और उनसे भी मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। आगे विनीता कहती हैं, आपने सबसे पहले कृषिम घास पर हॉकी कब खेली, तो एस्ट्रोटर्फ जो मतलब जिस तरीके की हॉकी की घास होती है, तो प्रोफेशनल हॉकी वाली घास पर आपने कब खेला। धनराज बोलते हैं, मैंने सबसे पहले कृषिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। तो पहले तो ऐसे ग्राउंड में खेला करते थे हॉकी, बट जो प्रॉपर घास होती है जिस पे खेला जाता है, जो भी नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने आए थे तब इन्होंने उस पे खेला था। मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जैकविफ कॉलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृषिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, तो किस तरीके से मतलब इनको बता रहे थे कि कैसे इस पर खेलना है, और तब वे बताने में लगे हुए थे और मैं झुक झुक कर उस मैदान छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तक तरक्की कर सकता है जिससे कृषिम घास तक उगाई जा सके, तो इस तरीके की घास उगाई जा सकती है, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट कर लिया है। वे छू छू कर देख रहे थे उस घास को जिस पर हॉकी खेली जाती है। विनीता बोलती हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो, आपके पास पहली कार कब आई। तो कहती हैं कि विनीता पूछती हैं कि पहली कार आपकी कब आई थी, हर यंगस्टर का सपना होता है कि उनकी अपनी कार हो। तो धनराज बोलते हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अर्माडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तो इनकी जो कार थी वो इनके जो पहले एम्प्लॉयर थे जो इनके साथ ही खेला करते थे उनकी सेकंड हैंड कार इन्होंने ली थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा लेकर आए। तो कहते हैं कि नामी खिलाड़ी तो मैं बन गया था, बट पैसा फिर भी मेरे पास इतना नहीं था। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पल्लव अभी भी मुंबई
मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। तो कहते हैं कि एक बार मैं लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो किसी पत्रकार ने मेरी फ़ोटो छाप दी अखबार में कि भाई ये हॉकी का सितारा है पल्लव और अभी भी ट्रेन में ही सफ़र कर रहा है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। तो धीरे धीरे उन्होंने पैसे जमा करे, अपनी बहन की शादी करवाई और अपनी माँ को भी भेजा करते थे। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिससे मैं मतलब 2000 में इन्होंने ख़रीदा, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। तो कहते हैं इनके पास फोर्ड आइकन है बट इन्होंने किसी ने तोहफा नहीं दिया है, गिफ्ट नहीं दिया है, खुद इन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। विनीता बोलती है आगे, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है सक्सेस की आपके लिए? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? तो कहते हैं हॉकी को आपने बहुत कुछ दिया बट आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपये इनाम में मिले थे मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार को आर्थिक तंगी से दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उसमें मैं सन 1994 में पुणे के बाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट खरीदा। तो कहते हैं कि आज खिलाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा कमाई होती है, खेलने से पहले ज़माने में इतनी नहीं हुआ करती थी। तो मेरी जो 1994 में जब मैंने इंटरनेशनल गेम खेला जा करके तो जो कमाई हुई उससे मैंने 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। तो 1999 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको फ्लैट दिया। तो ये कहते हैं कि जो फ्लैट है वो मैं खुद तो कभी नहीं खरीद सकता था, गवर्नमेंट ने ही मुझे दिया है। आगे कहते हैं, विनीता पूछती हैं सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? तो धनराज कहते हैं बहुत अच्छा, सेलिब्रिटी मतलब और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के साथ एक स्टेज पे बैठना आपको कैसा लगता है? धनराज कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं, हॉकी ही है जिसके चलते यह हर तरह प्रतिष्ठा मिली। तो कहते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंट से मिला तब मेरे को मतलब फ़ील हुआ कि मैं कितना ज़्यादा स्पेशल हूँ और मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक छोटा सा इंटरव्यू था धनराज जो कि एक काफ़ी अच्छे फेमस हॉकी प्लेयर हैं उनके बारे में। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।